जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है इमोशंस के ऊपर। हमने सबसे पहला इमोशन जो कवर अप किया है वो है फियर। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फियर एग्जैक्टली है क्या, ये हमने जान लिया। हमने ये भी जाना कि किस तरह से फियर हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला बनाते जाता है। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है जिसके थ्रू हम डर को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, आइए उनसे बात करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, आपने पिछले एपिसोड में हमें बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली। आपने बताया कि किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में डर कैसा रोल प्ले करता है और कैसे हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे डर भी होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं, अर्थात वो हम खुद क्रिएट करते हैं, जो एक्चुअली में है नहीं, तो उन डर के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा मन हर समय आंकलन करता रहता और आंकलन के बाद वो डिसाइड करता है कि ये चीज़ करने में फ़ायदा है या नुकसान है। वहाँ पे जो हमारे इमोशंस हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हमारे इमोशंस कहते हैं कि इससे मुझे कुछ परेशानी हो रही है, तो हम आमतौर पे उस चीज़ से, उस जगह से हटने की कोशिश करते हैं। जो बचपन में डर होते हैं, जिसके बारे में बात हुई कि एक प्राइमरी फियर है, लेकिन उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें आमतौर पे लोग हमें कहते हैं, लेकिन हमने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। मान लो वो डर एक बार थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, लेकिन हमने उसको अब अपने मन में सोचना शुरू किया और उस समय को सोचना शुरू किया, और कई बार वो कॉन्शियसली भी नहीं होता, सबकॉन्शियसली होता है, दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो कि हम अपनी ज़िंदगी से देखते हैं, कुछ चीज़ें कई बार हम स्क्रीन पे देखते हैं, और आज के समय में ये देखा जा रहा है कि स्क्रीन से रिलेटेड कई तरह के फियर, जिनकी की जेनेसिस, शुरुआत जो है वहाँ से ही होती है, या किसी और को हम खास तौर पे जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक माँ छिपकली से बहुत डरती है, बच्चे ने तो कभी छिपकली को एक्सपीरियंस नहीं किया है कि उससे कोई सुखद या दुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन वो जब माँ को ऐसा करते देखती है तो मन में आता है कि हाँ, इस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। और अगर वो धीरे धीरे उसको बिना प्रोसेस किए सिर्फ मन में ही वो चीज़ को लाती है, तो उसको उसके साथ फियर होना शुरू हो जाता है। जब तक वो सिर्फ मन में एक भावना के रूप में आता है, वो फियर है, चाहे वो रियल सिचुएशन में हो, चाहे वो इमेजिनरी सिचुएशन में हो, हमारे मन में चल रहा है, राइट। पर जहाँ पे उसकी वजह से हम उन सिचुएशंस को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या उनका सोच के ही हमें इतना डर लगता है कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते, या धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, या धीरे धीरे उससे मिलती जुलती चीज़ों की तरफ भी फियर होना शुरू हो जाता है, तो वो फोबिया बन जाता है। फोबिया का मतलब है कि हम उस डर की वजह से नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे। जो कॉमन फोबियाज हैं, कुछ हैं जो कि बचपन में शुरू होते हैं,
और कुछ हैं जो बाद में शुरू होते हैं। एक कॉमन फोबिया है ऑफ एनिमल्स एंड हेयरी ऑब्जेक्ट्स, छिपकली हुई, कॉकरोच हुआ, कुत्ता बिल्ली हुआ। कुत्ते से इंसिडेंटली बहुत लोगों को डर लगता है। कुत्ते कभी काटा नहीं है उन्होंने उसको, किसी दूसरे को भी नहीं देखा, लेकिन उसको देख के शायद एक दिन कोई वो गुर्राया और उस समय में इतना फियर हुआ कि उस फियर से बचने के लिए अब उन्होंने कुत्ते को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और फिर कुत्ते के बारे में सोच के ही वो फियर आना शुरू हो गया, चाहे वो अपने घर में है, दूर दूर तक कुत्ता है नहीं। करेक्ट। तो एक तो है एनिमल से, दूसरा फियर जिसकी वजह से आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जीने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, वो है बंद जगहों का फियर। यानी एयर कंडीशन जगहें जहाँ से कि सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, एसी ट्रेन हो, चाहे वो एसी गाड़ी हो, चाहे वो ट्रैफिक में फंसने का डर हो। बेसिक इसमें फियर जो है वो बंद जगहों से ज़्यादा ये है कि मैं इस जगह पे फंस जाऊँगा और बाहर नहीं निकल पाऊँगा। करेक्ट। और उसी के साथ फिर एक और फियर जुड़ जाता है कि ये जगह जो है क्लोज्ड है और इसकी वजह से मुझे सांस नहीं आएगी। और जैसे ही मन में वो डर आता है तो ऑटोमेटिकली जब घबराहट होती है तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। मुंह सूखना शुरू हो जाता है, हाथ थोड़े से कांपने शुरू हो जाते हैं, सांस तेज हो जाती है। और जब सांस तेज होती है तो माइंड उसको इंटरप्रेट करता है कि ऑक्सीजन पूरी नहीं आ रही। और कई बार लोग उसमें इतने पैनिक में चले जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और तब उन्हें अगर लगता है कि वो जगह, चाहे जैसे शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पे अगर अंदर तक कहीं गए हुए हैं तो उन्हें लगता है कि इतनी दूर 100 मीटर या 200 मीटर अगर भाग के गए और भाग तक पहुँच नहीं पाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे उस जगह को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को हम क्लिनिक्स में देखते हैं जो कि प्लेन्स में सफ़र नहीं कर पाते। कई बार उनका घर 6ठी या 7वीं मंजिल पे है लेकिन वो लिफ्ट नहीं ले पाते, या बहुत गर्मी में भी वो एसी वाली जगह पे नहीं रह पाते। क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ साथ एक और जुड़ा हुआ फियर है जिसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। अच्छा, ये कई बार बच्चों से ही शुरू होता है लेकिन बड़ों में भी देखा गया है कि जब वो खुली जगह में गए और वहाँ पे मान लीजिए काले बादल बहुत हैं या बहुत तेज़ वर्षा शुरू हुई या बिजली गिरी, तो अचानक उन्हें डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, कहीं बिजली उनके ऊपर ना गिर जाए, राइट। तो वो ऐसी जितनी भी जगह हैं जहाँ पे कि बहुत ओपन स्पेस है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और एक और जो कि आजकल थोड़ा सा शुरू हुआ है, पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रहा, वो है फियर ऑफ कंटेमिनेशन, फियर ऑफ डिजीजेस, जिसमें कि ये लगता है कि अगर उन्होंने किसी जगह को छुआ तो शायद वहाँ पर कोई बीमारी के कीटाणु हो, राइट, और उसकी वजह से उनको हमेशा साफ रखने की ज़रूरत है, या वो कोशिश करते हैं कि अपने पास हमेशा एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखें, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो ग्लव्स लगा के हमेशा चलते हैं, या ड्राइव भी करते हैं तो वो ग्लव्स लगा के करते हैं कि ऐसी जगह पर कोई हाथ ना हो। तो उसकी वजह से जितनी जगहों पर वो जा सकते हैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए जो रोज़मर्रा में उनकी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए ज़रूरत है वो नहीं कर पाते अपने इस फोबिया की वजह से। करेक्ट। और लास्टली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक उभर के आ रहा है वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया कई बार सिर्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में हो सकता, जैसे कि एग्ज़ाम है, जैसे कि इंटरव्यू है, जैसे कि स्टेज पे जाके बोलना है बहुत सारे लोगों के सामने जी, या एक मीटिंग में बोलना है। लेकिन कई बार वो जब बढ़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उनको ये लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया, तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और दूसरे लोगों को भी बता देंगे।
और उसकी वजह से मैं जहां भी जाऊंगा मेरे को लोग उस नज़र से देखेंगे। कई बार इसकी जेनेसिस जो है थोड़ी सी इस वजह से भी होती है कि अगर अपने में आत्मविश्वास की कमी है जी, या आप उस जगह से या उस परिवार से आए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपस में रिलेशनशिप बनाने की स्किल्स है, उसमें कुछ कमी रही है, तो उन लोगों में थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा शुरू होती है। और कैमरे को देखकर इंसिडेंटली बहुत सारे लोगों में डर होता है कैमरे को फेस कर पाने में। कई लोग जो कि वैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ इंटरव्यू देने की बात आती है तो वो उस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत शाइनेस कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन उस शाइनेस की वजह से उनकी ज़िंदगी पे असर नहीं होता। वो उस जगह को या उन लोगों को अवॉइड नहीं करते। जहाँ पे वो अवॉइडेंस आनी शुरू होती है वो फोबिया है। एंड इंसिडेंटली ये करीबन 5 में से 1 व्यक्ति को होता, सो इट इज देयर इन अबाउट 20% ऑफ पीपल। तो अगर आप ये देखें कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, सोशल स्किल्स जो हैं, वो अगर अच्छी नहीं है तो सिर्फ इसी की वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ अटेम्प्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो फोबियाज हैं ये हमारी सिर्फ ये नहीं है कि स्किल्स को आगे बढ़ने में बाधक रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो हर समय एक घुटन के साथ इंसान जी रहा और दूसरे भी समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है या इसमें कुछ कमी है, तो उसकी वजह से जो आपको एक छुपाना पड़ता है, अपने आप को झूठ बोलना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं चल सकती है। आई थिंक ये फोबियाज की जिसकी आप बात कर रहे हैं ये एक बीमारी की तरह भी लिया जा सकता है इसे, क्योंकि लोग जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कोई ओपनली नहीं बोलता है मुझे इस जगह से फोबिया है, मैं ये नहीं करूँगा। लोग इस चीज़ को हाइड करते हैं, अपनी वीकनेस मानते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि ये और कुछ नहीं है, डर का एक रूप है, जो डरता तो हर एक इंसान है। तो हम उस चीज़ को थोड़ा लाइटली लेंगे तो शायद थोड़ा हम जो प्रेशर जो हमने अपने ऊपर बना लिया होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है मेरे अंदर में जो मुझे वीक बना रही है, आई थिंक ये थॉट प्रोसेस को डील करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर 20% ऑफ लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर जो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आपकी एक टिप क्या है कि किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकला जाए? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि अगर मान लीजिए आप में खून की कमी है तो आप कहते हैं आयरन लो, प्रोटीन्स लो। अगर आपके अंदर किसी और तरह की इनिशियल थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो उसके लिए कहते हैं दवाई लो। अगर आपको मान लीजिए वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन करना है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इस चीज़ को हम अपनी करेक्टर की एक कमी मान लेते हैं। सोचू, बहुत पर्सनली लिया जाता है इस चीज़ को, बिल्कुल, पर वो सच्चाई नहीं है। सोचू क्योंकि किस प्रकार से ये शुरू हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में ये बढ़ा, किस तरह से मुझे जो एक्सपेक्टेड था अगर नहीं मिला, या किस तरह के सर्कमस्टांसेस को मैंने फेस किया जिसकी वजह से ये सब बढ़े और उसकी वजह से मैंने विड्रॉ करना शुरू किया, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। और ये जर्नी जो है एक दिन की नहीं होती है। फोबियाज जो हैं वो एक दिन में ना पैदा होते हैं ना एक दिन में ठीक होते हैं, लेकिन जितने लंबे खींचते हैं उतना आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर डालते हैं। सोचो, और उसको जितनी जल्दी इसीलिए ठीक किया जाए, उसको ठीक करना भी आसान है, और उसको एक बीमारी का भयंकर रूप बढ़ना उससे भी बचाने में मदद मिलती है। सो फर्स्ट थिंग इज इसको एक्सेप्ट किया जाए। यस। आज यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। प्लीज। मुझे अपने बचपन में फोबिया था सोशल। ओह, आर यू सीरियस? आपको सोशल? सीरियसली? मैं करीबन 15-16 वर्ष की उम्र तक एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता। घर में जब लोग आते थे तो वहाँ से मैं हटने की कोशिश करता था।
क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, एनालिसिस की है, तो वहाँ पर ये पाया कि बचपन में कई बार जो मुझे लगा कि जितनी एक्सपेक्टेशन मुझे अपने से थी या दूसरों को थी, उस कसौटी पर मैं पूरा नहीं उतरा. फीलिंग थी, शायद सच नहीं था. राइट, इट्स जस्ट अ थॉट. और उस कारण से मैं लोगों से विड्रॉ करता था. जब ये प्रोसेस चल रहा था तो उस समय में मुझे एक मौका मिला अपने आप को बदलने का. उस समय में ऐसे टेलीविजन शोज नहीं हुआ करते थे. राइट. उस समय में कुछ ऐसी किताबें भी नहीं हुआ करती थी, कोई ऐसे गाइड्स भी नहीं हुआ करते थे जो कि इसके बारे में बात कर सके. मौका इस तरह से कि कुछ ग्रुप्स थे जिनमें कि मिलने का और लोगों से बात करने का मौका मिला, और मुझे लगा कि उनके साथ मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत चीज़ें सीख सकता हूँ. तो एक प्रोसेस शुरू किया जिसमें कि धीरे धीरे थोड़े से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की, थोड़े कम समय के लिए मिलने की कोशिश की, और ये हर समय ना सोचने की कि वो मुझे जज कर रहे हैं या नहीं. बड़ा कष्टप्रद था ये, मैं बात कह सकता हूँ. लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे आप उस चीज़ से आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आप में वो आत्मविश्वास पैदा होना शुरू होता. उसी समय में मुझे पहली बार टेलीविज़न पे आने का मौका मिला. okay. एक प्रोग्राम एंकर करने का मौका मिला, और वहाँ पे मैंने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो एक या दो लोगों से भी नहीं पूरी तरह से बात कर सकता. उन्होंने कहा कि आपने किसी से नहीं बात करनी, आपने सिर्फ कैमरा से बात करनी, और कैमरा आपको जज नहीं कर रहा. आपके मन का जो फियर है कि बाद में जब ये टेलीविजन में सीरीज आएगी तो लोग आपको जज करेंगे, right. पर यहाँ पे कैमरा आपको जज नहीं कर रहा. ट्रू. सो वी स्टार्टेड विद द कैमरा पर्सन नॉट बीइंग देयर, कैमरा फोकस हो गया, और उसके बाद आपने बोलना शुरू किया. और ये बात आज से करीबन 40 साल से ऊपर की है. सो दैट स्लोली स्टार्टेड गिविंग यू द कॉन्फिडेंस. और फिर जब वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना शुरू होता है, ये बात मैंने सिर्फ एक बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैंने शेयर इसलिए की. नो, दिस इज वेरी नाइस, सीरियसली, क्योंकि मुझे आई थिंक जो ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है, जो ये सीरीज देख रही है, आई एम श्योर उन्हें ये, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि आप कितने कॉन्फिडेंटली सजेशंस देते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली आपने बारीकियत से चीज़ों को सामने रख रहे हैं. लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा एक सेटबैक रह चुका है, तो लोग ज़रूर इस एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे. और उसी कारण से मैंने ये बात शेयर, बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई भी हो, और उस समय में तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि आपको कोई गाइड कर सकता. पर आज है कि अगर आपको अपने किसी सीवियर फोबिया से बाहर निकलना है, हो सकता है कि अगर वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो शायद शुरू में आपको थोड़ी सी दवाई, जिससे कि आपकी वो इंटेंसिटी जो है घबराहट की, वो कम हो सके, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सकें. उस नेक्स्ट स्टेप में आप दो काम कर सकते हैं, और वो किसी भी फोबिया पे पॉसिबल है. कि आप एक लिस्ट बना लें, जिस लिस्ट में कि किस चीज़ में आपको सबसे कम डर महसूस होता है. जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सिर्फ कैमरा को देखना, व्यक्ति को भी नहीं देखना. तो उसमें मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऑब्जेक्ट से मैं बातचीत कर रहा हूँ. तो उसी प्रकार आप लिस्ट बना लें कि कौन सी चीज़ सबसे कम आपको डर देती है, फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते रहे. तो इंटेंसिटी जो लास्ट की है, राइट, और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लें जिसपे कि आप विश्वास करते हैं, उसे अपने साथ रखें, तो उस वजह से आपकी घबराहट की लेवल कम रहेगी. और एक एक स्टेप करके उसको पक्का करना शुरू करें. तो जब आप पहली सीढ़ी जैसे चढ़ेंगे और आप उस समय उतने फियरफुल नहीं रहेंगे कुछ देर के बाद, तो वो आपको एक पॉजिटिव रूप से इमोशन मोटिवेट करेगा. एक अंदर से प्रफुल्लता की फीलिंग आएगी, और फिर आप नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार होंगे.
लेकिन इसको एक होमवर्क की तरह से प्लान तरीके से करना। उसके लिए चाहे आप दिन में थोड़ा सा समय अलग निकाल लें, वो जो व्यक्ति है, चाहे आपके परिवार वाला है, चाहे कोई मित्र है, वो आपकी जो मदद करे, उससे भी ये पूरा का पूरा प्लान जो है डिस्कस कर लें, और तब तक ना छोड़ें जब तक एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आप आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। ओके। और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरी चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाती है याद रखने की, कि जो फियर मैं महसूस कर रहा हूँ, उस फियर को बहुत सारे लोग हैं उसी सिचुएशन में जो नहीं महसूस कर रहे, तो इसका मतलब सिचुएशन फियर वाली नहीं है, ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से फियर है। अगर एक बहुत बड़ा समुंदर है जी, उस समुंदर में आप कूद गए सेंटर में जाके और आपको तैरना नहीं आता तो हर कोई डूब जाएगा। राइट। लेकिन अगर एक छोटा सा इस हाइट का पानी है उसमें बच्चे भी जाके खड़े हो जाते हैं लेकिन मुझे उससे फियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे अंदर है, सिचुएशन में फियर नहीं है। सो ट्रू। राइट। तो अगर उस पर्सपेक्टिव को हम रखेंगे तो उसकी वजह से जो मेरा डर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, विजुलाइज करें कि जब मैं इस फियर से बाहर आ जाऊंगा और मेरा ये फोबिया जो मेरी पूरी जिंदगी को समेट के बैठा हुआ है वो जब नहीं होगा तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। वो एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, वो आपका गोल है कि ये करने के बाद, जैसे मान लीजिए सोशल फोबिया है, तो जब मैं पहली स्टेप पे 5 लोगों के साथ बात कर पाऊंगा और वो मुझे अप्रिशिएट किसी बात के लिए करेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। True. तो उस चीज को दिमाग में रखें। और इसी तरह से अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहते हैं तो फोबियाज को ओवरकम करना, चाहे सोशल हो चाहे दूसरा हो, वो आसान है। एक इसका दूसरा तरीका है जी। उस दूसरे तरीके में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पे आपको पूरा विश्वास है उसको अपने साथ रखें, और उसके बाद जो भी सबसे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है उस कंडीशन को अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करें। मतलब मान लीजिए मुझे क्लोज्ड जगहों का बहुत डर लगता है। राइट। तो मैं लिफ्ट में भी नहीं जा सकता हूँ, तो मैं अब किसी व्यक्ति को लेके जाता हूँ लिफ्ट में अपने साथ और वहां पे जाके कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मुझे शुरू शुरू में बहुत घबराहट होगी। राइट। लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ है, उस व्यक्ति ने मेरा मान लीजिए हाथ पकड़ा हुआ है और उसने कहा कि कुछ नहीं होने देंगे। और सच्चाई ये है कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मौत नहीं होती। So true. तो और अगर बहुत ज्यादा डर है भी तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर उस समय पर उस सिचुएशन में अपने डर को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं, कुछ देर तक रहते हैं और रिपीटेडली 2, 3, 4, 6, 10 बार उसको करते हैं, तो फिर सडनली आपको एक दिन पता लगता है कि हाँ, ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। Exactly. मैंने उसे इतना हाइप कर दिया है क्योंकि मैंने इतने समय से उसको अपने जीवन का अंग बना लिया था। Absolutely. जो इमेजिनरी फियर था वो मेरे मन में एक रियल फियर बन गया। और यही चीज मैं इस पूरे एपिसोड को अंत करने से पहले एक लास्ट बात बोलना चाहूँगी। ये सिर्फ फोबिया हमारा किसी एक्टिविटी के लिए नहीं होता। कई बार हम किसी व्यक्ति से बात करने में, स्पेसिफिक व्यक्ति, कुछ बच्चों को अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर रहता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये भी एक ऐसा फोबिया है जो आई थिंक आपने जो सोल्यूशन दिया है उसके थ्रू हर इंसान अपनी ज़िंदगी से इस फोबिया को बाहर निकाल पाएगा। जो भी कोई हमारे डर है अगर हम उनको पहचान लें, और दूसरा, उनको ख़त्म करने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी उन्मुक्त होगी, कितनी खुले दिल से मैं जी पाऊँगा, अगर इस चीज़ को इमेजिन करना शुरू कर लें जी, तो फिर फोबिया को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन एक प्लान्ड तरीके से ही ये पॉसिबल है। उसके लिए थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, उसके लिए शायद किसी की मदद भी लेने की ज़रूरत है, पर अगर ये किया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाए। जिंदगी बहुत। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि डर का एक रूप है फोबिया। हमने जाना कि फोबिया और कुछ नहीं है दोस्तों, वो फियर का ही एलोंगेटेड रूप है। अर्थात अगर बहुत समय तक आपको किसी पर्टिकुलर कार्य करने में डर बहुत ज़्यादा लगता है तो वो एक फोबिया का रूप ले लेता है। मैं आपको गारंटी करती हूँ, अगर आप ज़िंदगी में अपने अंदर में कॉन्फिडेंस बनाए रखें और उस डर से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स भी डालें, तो आप महसूस करेंगे कि वो डर इतना भी बड़ा नहीं है जितना आज तक आप उसे मानते आए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी कमेंट्स हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज ज़िंदगी बने आसान पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।